55 का फटका, 440 का झटका। कौन सी नई गर्लफ्रेंड बनाई सलमान ने? कौन है सलमान की नई गर्लफ्रेंड? फिल्म में कौन नजर आएगा सपोर्टिंग रोल में? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। बॉलीवुड की आन मान और शान दबंग खान हमेशा ही सुर्खियों में बने रहते हैं और आजकल वो अपनी अपकमिंग फिल्मों को लेकर लगातार सुर्खियों में चल रहे हैं। वो जल्द ही डायरेक्टर फरहाद सामजी के निर्देशन में बन रही फिल्म कभी ईद कभी दिवाली में लीड रोल में काम करते हुए नजर आएंगे। फिल्म में उनके साथ साउथ फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस पूजा हेगड़े भी लीड रोल में काम करती हुई नजर आएंगी। इससे पहले इन दोनों स्टार्स ने साथ में कभी भी काम नहीं किया था। पूजा के फैंस उनके इस फिल्म में काम करने की खबर से बहुत खुश हैं। वहीं बात करें अगर भाईजान की, तो आपको बता दें कि वो आखिरी बार फिल्म अंतिम में नजर आए थे। फिल्म के स्पेशल स्क्रीनिंग के मौके पर एक नाम बहुत ही चर्चाओं में रहा था और वो नाम है भाईजान की न्यू गर्लफ्रेंड लुलिया वेंचो का। लुलिया एक रोमानियन टेलीविजन प्रेजेंटर है और उनकी दोस्ती सलमान से रोम में सलमान की फिल्म की शूटिंग के दौरान हुई थी। धीरे धीरे इन दोनों की ये दोस्ती प्यार में बदल गई और अब खबरें हैं कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। लुलिया को फेस्टिवल्स पर सलमान के घर भी देखा गया है। सलमान की लाइफ के हर स्पेशल डे पर लुलिया को उनके साथ ही देखा गया है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि दोनों स्टार्स एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और जल्द ही ये दोनों शादी के बंधन में बन सकते हैं। इसके साथ ही खबर ये भी है कि सलमान की फिल्म कभी ईद कभी दिवाली में लुलिया सपोर्टिंग रोल में काम करती हुई नजर आ सकती है। उनके साथ ही राज बब्बर के बेटे प्रतीक बब्बर भी फिल्म में सपोर्टिंग रोल में काम करते हुए नजर आ सकते हैं। खबर है कि लुलिया और प्रतीक को फिल्म के कास्ट करने के लिए मेकर्स को सलमान ने ही बोला है। अगर लुलिया और प्रतीक इस फिल्म का हिस्सा हैं, तो वाकई ये एक बहुत अच्छी खबर होगी। वेल, इससे पहले भी सलमान लुलिया की बॉलीवुड में पहचान बनाने में काफी मदद कर चुके हैं। वो सलमान के द्वारा होस्ट किए जाने वाले रियलिटी शो बिग बॉस में भी नजर आई थी। अब हम तो यही दुआ करेंगे कि लुलिया जल्द ही बॉलीवुड में अपना नाम बनाने में सफल हो। सलमान और पूजा स्टारर ये फिल्म अगले साल के अंत तक सिनेमाघरों में रिलीज की जा सकती है। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। फिल्मी दुनिया की बाकी सभी अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहिए बॉलीग्राड स्टूडियो से। यहाँ हम देंगे आपको बॉलीवुड की फिल्मों की एक एक खबर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो जाते जाते कीजिए इस वीडियो को लाइक और कमेंट्स में हमें बताइए कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए बॉलीग्राड स्टूडियोज को।